अभी मैं हूँ बांद्रा टर्मिनल पे मुंबई और में। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ दिल्ली। फर्स्ट टाइम मैं इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ। इस ट्रेन जर्नी में मैं मेरा सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। अरे मुंबई की लोकल। अभी हम स्टेशन के अंदर आ गए बांद्रा टर्मिनल्स के। ये हमारे पीछे एंट्री गेट था और अभी हम यहाँ से ट्रेन नंबर चेक करेंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन लगी है और फिर जो है हम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। बांद्रा टर्मिनल में एक नंबर प्लेटफॉर्म छोड़ के बाकी अगर आपको दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आना है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर पे, तो आपको अंडरग्राउंड से सबवे से ही आना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता यहाँ से नहीं है। और अभी जो है हमारा 4 नंबर प्लेटफॉर्म है। अभी गेट खुल गया है, अंदर जा रहा हूँ मैं। मैंने बैग मेरा अंदर रख लिया है और आज जो हम ट्रेवल कर रहे हैं ये ट्रेन नंबर जो है 12216 गरीब रथ है और हमारा जो बोगी है वो G18 है और फर्स्ट स्टार्टिंग में ही सीट है। और ये ट्रेन जो है गरीब रथ बांद्रा टर्मिनल से दिल्ली के लिए चलती है और इसका जो टोटल 23 आवर्स का जर्नी है, मतलब हम यहाँ से 12 बजे निकलेंगे आफ्टरनून में, कल मॉर्निंग में 11 बजे पहुंच जाएंगे। और ये ट्रेन जो है सिर्फ ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे चलती है, तो आप इससे ट्रैवल कर सकते हो। मैं इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि ये गरीब रथ है तो फर्स्ट टाइम मेरा ट्रैवलिंग है। इससे पहले मैंने बहुत सारे ट्रैवल किया है बट गरीब रथ का मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो आई विल शो यू कि कैसा मेरा जर्नी रहता है। जो है 15 मिनट बाकी है हमारे ट्रेन को निकलने में और ये हमारी ट्रेन है। सामने 5 नंबर पे ट्रेन लगी है, ये सूर्य नगरी एक्सप्रेस है जो जोधपुर चलती है। इस ट्रेन से मैंने 2 बार ट्रैवल किया है लेकिन आज मैं गरीब रथ से ट्रैवल कर रहा हूँ। एक पानी थोड़ा ठंडा देना भाई, चिल देना गर्मी में, भैया थोड़ा चिल रहेगा तो देना, थैंक यू। और अबे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अच्छा है एसी में बैठ के फिर बाहर आया, ठीक है। अभी चलो मैं आपको सीट दिखाता हूँ एक्चुअली क्या हमको मिल रहा है 1800 के टिकट में। यस, प्रीमियम तत्काल। तो जो है ये अनएक्सपेक्टेड है, इट वाज गरीब रथ बट आई गॉट दिस ब्लैंकेट, क्या ब्लैंकेट बोलेंगे ना इसको, चद्दर ना। और ये क्या है, पिलो। और एक जो है ये बहुत ही साफ सुथरा जो है कंबल, ठीक है। और ये साइड लोअर है, अभी देखते हैं कैसा। अभी जर्नी हमारा 5 मिनट में ट्रेन छूटेगा। 12 बजे का टाइमिंग था लेकिन नहीं भाई, 12 बजे का टाइमिंग था, टिकट पे लिखा है बट अभी तक ट्रेन निकली नहीं। तो कहीं तो वो 224, 229 पे तो नहीं जा रहा है, वो भी है ना निकलती है 12:15 बजे। अभी पता नहीं, गरीब रथ बोल के तो बैठ गए हैं, सब कुछ देख लिए, सीट उट बैग रख दी है उधर इंजन के पास। अभी जस्ट लोगों को चलेगी चलेगी लग गया है, ग्रीन सिग्नल हो गया, ऑरेंज सिग्नल हो गया, निकलने का सिग्नल हो गया, ऑरेंज सिग्नल तो दिख रहा है, मतलब निकलना चाहिए अभी। वैसे ट्रेन लेट होती है, 10-15 मिनट चल जाता है, उतना एडजस्टेबल है। नहीं, 2-3 घंटा इंडियन रेलवे मतलब 2-3 घंटा लेट होता है लेकिन डेस्टिनेशन से पहले होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है। आ जाइए अंकल, चढ़ जाइए। आज अंकल का आने का इरादा नहीं, आएंगे तो कहाँ जाएंगे आओ था ना, इसमें थोड़ा एसी थोड़ा कम कर दो, इसमें इसी में अभी चलने चालू किया है। नहीं सही बोले, अभी बाहर से बहुत गर्मी है ना इसके लिए, अभी थोड़ा चालू किया है, कोई नहीं कर देंगे। तो भाई हमारी ट्रेन जो है निकल रही है गरीब रथ, द गरीब रथ 12216, ये है बांद्रा टर्मिनल और बांद्रा टर्मिनल से निकल रही है। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गया है ना अंकल, वो सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गया ना इधर का, क्यों हुआ इधर का सिक्योरिटी इतना टाइट, पहले इतना चेक नहीं होता था। चलेगा, चेकी चेकी कड़ाई हो गई।
नगरी का लगेज जो है वो चढ़ रहा है, देख सकते हो आप। ये जोधपुर जाती है सूर्य नगरी। अभी हमारी ट्रेन निकल गई है, 5-10 मिनट लेट है ट्रेन। और अगर आप बांद्रा टर्मिनल से ट्रेन पकड़ रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बांद्रा रेलवे स्टेशन आ जाओ या फिर जो है आप खार रोड आ जाओ। खार रोड अगर आप उतर रहे हो तो वहाँ से आपको ब्रिज है, डायरेक्टली ब्रिज आइए, डायरेक्टली आप बांद्रा स्टेशन पे पहुँच सकते हैं, 10 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस है। सेम चीज़ अगर आप बांद्रा रेलवे स्टेशन पे आते हैं, वहाँ से अगर आप 1 किलोमीटर है आप बाय वॉक से आते हो, 10 से 15 मिनट लगेगा, आराम से पहुँच सकते हो। और ये हमारे पीछे मुंबई लोकल, बहुत प्राउड फील होता है मुंबई का। ये बोरोवली पे फर्स्ट हॉल्ट है, अब तक इधर पे हॉल्ट था क्या? हाँ, 2 मिनट का हॉल्ट है। बोरोवली से ट्रेन निकल रही है और ये भी मुंबई का एक वेस्टर्न लाइन का सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। ये डायरेक्ट है वंदे भारत। इसका गेम हो गया है। कुछ कपड़े पड़े हैं, कुछ ये मैंने सूख लिया है, एटलीस्ट चाय पीने से तो बेटर है क्योंकि ये पैक्ड होता है पूरा, तो बस गर्म पानी मिला दो और रेडी है, 2 मिनट मैगी जैसा, तो एटलीस्ट टी से तो बेटर है, जो नॉर्मल 10 रुपये की चाय मिलती है उससे तो बेटर ही है। और क्या, बस अभी हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट मुंबई क्रॉस करने वाली है, मतलब अभी हम महाराष्ट्र से एग्जिट करेंगे और गुजरात में जो है इंटर करेंगे, विद इन 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में हम जो है मुंबई एग्जिट करेंगे। अभी ये पालघर गया है राइट, ये भी महाराष्ट्र में आता है, 10 से 15 मिनट में हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। ये ट्रेन का टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट है, साफ सुथरा है, मतलब क्लीन है, बट बास बहुत तेज आ रहा है, बहुत गंदी बास आ रही है। और सबसे अच्छी बात ये हैंडीकैप के लिए अलग से बनाई है, हैंडीकैप टॉयलेट के लिए। और जो हमारा डस्टबिन है वो डस्टबिन बन चुका है, कचरा नीचे है। ओके, तो अभी क्या है, गरीब रथ है, आवे पानी आ रहा है। सूरत रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, आई गेस दिवाली फेस्टिवल की वजह से। और हमारी ट्रेन सूरत से निकल रही है, यह सूरत स्टेशन। अभी हम गुजरात में हैं और हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया था ऑनलाइन से ऐप पे, 400 रुपये का, और उसका डिलीवर टाइम था यहाँ पे, लेकिन खाना आया नहीं अभी तक, अभी तक हम लोग भूखे हैं। अभी देखते हैं, IRCTC के ऐप से ऑनलाइन खाना बुक किया था और सूरत में डिलीवर होने वाला था लगभग 1 घंटा पहले हमने बुक किया था, उसमें टाइम दिखा रहा था, बट सूरत से ट्रेन निकल भी गई है, 15 मिनट हो भी चुका है, कोई कॉल नहीं आया, कोई ईमेल नहीं आया है, फिर भी हमने ऐप पे लॉगिन करके जो नंबर होता है बेसिकली उसके अंदर दिया रहता है वो हमने डाल दिया है। तो ये मेरा फर्स्ट हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑनलाइन का और ये सबसे ख़राब गया, और मेरे को पहले से डाउट था कि नहीं होगा, इसीलिए जब भी अगर आप यूज़ करें तो कैश ऑन डिलीवरी करो। हमने गलती क्या की, हमने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया इसके लिए, तो वो एक मिस्टेक हुआ है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, आपके साथ अगर हुआ रहेगा तो आप बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, और हमने तो ईमेल कर दिया है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन जब आएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस इन फ्यूचर में जो बनाएंगे ना तो इस प्रॉब्लम को बताएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना चैनल के साथ।
अभी हम वडोदरा से निकल चुके हैं, हमारी ट्रेन जो है वडोदरा क्रॉस कर चुकी है और ट्रेन जो है 20 से 25 मिनट लेट चल रही है, और थोड़ा फ्रेशअप होने के लिए चाय और साथ में ब्यूटीफुल सनसेट, एकदम अलग ही व्यू है, मस्त वाइब है। तो अभी देखते हैं आगे चल के, बहुत भूख लगी है, अभी तक तो कुछ खाया नहीं सुबह से, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया था मैंने बस, वही हैवी लंच तो स्किप हो गया कोई स्कैम की वजह से। लेकिन एक और चीज़ है, इशू ये हो सकता है कि दिवाली की वजह से वो अपना इंसिडेंट हुआ था किधर बांद्रा टर्मिनल में, तो इसकी वजह से किसी को एंट्री नहीं दे रहे प्लेटफॉर्म पे, तो हो सकता है कि प्लेटफॉर्म पे एंट्री नहीं होने की वजह से अपना खाना डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ हमारे हमको मेल या मैसेज तो आना चाहिए, वो नहीं आया, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी ये प्रॉब्लम का वेरीफाई हो जाएगा, अगर अहमदाबाद में भी अगर नहीं आया खाना अपने को तो पता चल जाएगा ऐसा इशू है। और बड़ौदा स्टेशन पे जो है बहुत ज़्यादा क्राउड था, हद से ज़्यादा क्राउड था, वो तो फिर भी पुलिस था तो इसकी वजह से थोड़ा सा ठीक है। तो जब भी आप ट्रैवल करें तो ये मेक श्योर करें कि आप सारे चीज़ों को कंसिडर करके फिर ट्रैवल करें। आनंद जंक्शन स्टेशन है, अभी हमारी ट्रेन नदियाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से क्रॉस किया है और ये रेलवे स्टेशन पे हॉल्ट था 2 मिनट का, क्योंकि ये जो स्टेशन है ये हिस्ट्री इसको कनेक्ट करता है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ प्लेस है, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए यहाँ पे 2 मिनट का जंक्शन था गरीब रथ का। और अभी जो है नेक्स्ट हॉल्ट जो है आई गेस अहमदाबाद आएगा, और वहाँ पे जो है हम खाने का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम सो नहीं पाएंगे, बहुत पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी शाम हो चुकी है, आप देख सकते हैं सूरज भी ढल चुका है और एसी बहुत ज़्यादा चिल हो गया था, इसके लिए बाहर थोड़ा सा हीट लेने के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे गेट पे। चालू करके मेरे साथ घुमा मेरे साथ। तो ये ट्रेन जो है द गरीब रथ जो लालू प्रसाद यादव ने स्टार्ट किया था, और ये गरीब रथ नाम इसलिए था क्योंकि ये पुअर लोग है, गरीब लोग भी एसी से ट्रैवल कर सके, इसलिए जो है उन्होंने स्टार्ट किया था ये गरीब रथ, इसीलिए इसका नाम आ गया था गरीब रथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे गरीब रथ में जो है सिर्फ 2 टायर और 3 टायर एसी है, फर्स्ट टायर एसी नहीं है, ताकि ये गरीब रथ बनाया जाता है, इसके लिए दो ही आपको 3 टायर और 2 टायर मिलेगा, और हम जो सफ़र कर रहे हैं वो 3 टायर से सफ़र कर रहे हैं। ये हमारी ट्रेन लगी है, हमने जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था यहाँ पे अहमदाबाद में हमको प्रोडक्ट मिल गया, सूरत वाला तो नहीं आया था लेकिन अहमदाबाद में जो है आ गया और ये डिलीवर किया, और उसने ये बोला कि अगर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है तो पेंट्री को कैंसिल कर देगा वो लोग, मतलब उनका किचन बंद कर देगा IRCTC, ऐसा बोला, वो बोला कैंसिल हो जाएगा और पेमेंट जो हमने ऑनलाइन किया था वो रिफ़ंड हमको आ जाएगा ऐसा कर। लेकिन ये थोड़ा लेट आया, 2 मिनट लेट था, तो हमको क्या लगा ये भी खाना नहीं आएगा, तो इसके लिए हमने ये ऑर्डर कर दिया और एक और ऑर्डर किया है वो भी अभी आ रहा है, तो अभी देखते खाते कितना, ये तो इस प्लेटफॉर्म का है तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, बट ये खा के बताएंगे हम लोग, नॉर्मल बेसिक जैसा रहता हो, गरम है अच्छा ठीक है, बट मोस्टली अवॉइड करो, अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो इसके लिए खा रहे हैं अपन। अच्छा।
अभी जस्ट हमने खाना फिनिश किया था और ये हमारा ट्रेन का खाना आ गया। 150 रुपये प्लेट है वेज थाली, जिसमें दो भाजी, अचार, राइस, दाल और काकड़ी और ये चपाती। थोड़ी देर बाद खाते हैं अभी, क्योंकि अभी जस्ट फिनिश किया। अगर वो 5 मिनट पहले लाया होता तो ये भी साथ में निपटा देते थे। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है पीछे। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर रेलवे स्टेशन हमने क्रॉस किया है और यहाँ का जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है वो है टेंपल, अक्षरधाम टेंपल। रात का वक्त हो गया है तो मोस्टली अभी जो है मैं सोने जा रहा हूँ। अब डायरेक्टली मैं सुबह में उठूंगा, उसका रीज़न क्योंकि कल रात में भी मैंने कॉलेज से लेक्चर्स लेके फिर उसके बाद आया था, रात में भी काम किया था, टाइम नहीं मिला था, इसकी वजह से जो है अभी मैं सोने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सो जाता हूँ, डायरेक्टली सुबह में उठ के आपसे बात करता हूँ। सुबह के 6:05 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन जयपुर क्रॉस कर रही है और जयपुर सुबह सुबह का व्यू, अलवर रेलवे जंक्शन। सुबह के बज रहे हैं 8:10 और हमारी ट्रेन जो है अलवर जंक्शन पे पहुंच चुकी है। वी आर एट दी स्टेशन। क्या नाम है? अपना राजस्थान के कौन से स्टेशन का नाम भी नहीं पता भाई साहब को, कैसे कुछ तो है। कैथल स्टेशन पे और यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट है। अभी हॉल्ट बज भी गया है, अंदर जा रहे हैं हम लोग। सुबह के 8:40 हो रहे हैं। दिवाली हाँ 31 और 1 तारीख को दिवाली, इसीलिए इतना सारा मारा। 31 है हाँ, तो मेन 1 तारीख को शायद है दिवाली। हाँ हाँ, हम तो दिवाली कभी है 1 तारीख को मैंने पता ना सर, कुछ पता नहीं चल रहा आज आला 31 तारीख को है, कुछ पता ही नहीं चल रहा आज का। वही कह रहा है 31 मैंने पूछा था, 1 तारीख को था, 1 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग है पता दे, इसीलिए 1 तारीख को रहेगा। वैसे यहाँ तो 31 को तो क्या नाम है वो छोटी होगी, छोटी वाली। अच्छा पहली को बताया, लास्ट महीना में था शायद, ये लास्ट यही महीना।
रेवाड़ी जंक्शन और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:10 हो रहा है। ये हरियाणा हमने रेवाड़ी जंक्शन क्रॉस कर दिया है, ट्रेन अभी टाइम पे है और अभी हम राजस्थान में थे, अभी हम राजस्थान से जो है हरियाणा में आ गए हैं, मतलब अभी यहाँ से गुड़गांव आएगा, उसके बाद जो है हम दिल्ली पहुंच जाएंगे 11 बजे तक। हमने हमारा सफर जो है 1300 किलोमीटर तक लगभग कर चुके हैं और अभी जो है टोटल 150 किलोमीटर और 200 किलोमीटर बाकी है और अब यहाँ से जो है गुड़गांव आएगा। गुड़गांव में देखेंगे अभी स्टेशन पे पहुंच के और अभी मॉर्निंग बहुत ज्यादा वेदर, ये मेरे को लग रहा है फॉग नहीं है, ये सिर्फ पॉल्यूशन है पूरा। मैं यहाँ पे फील, मतलब धुएं से मेरे को एलर्जी है तो मैं फील कर पा रहा हूँ ये फॉग नहीं है, ये धुआं है। और अभी जो है 9:40-50 हो रहा है लगभग, मतलब 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। रीच गुड़गांव। सो गुड़गांव जो है एक वेल्थीएस्ट सिटी है जहाँ पे फिनेंशियल और आईटी के हब है। अगर इंडिया में आप देखोगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे बिजनेस हब है जिसमें आईटी और फिनेंशियल में बहुत ज़्यादा गुड़गांव का जो है फेमस है। द व्यू, द फर्स्ट व्यू ऑफ गुड़गांव फ्रॉम द ट्रेन, you can see the smoke, very very foggy smoke, I guess because of industrial। तो भाई ये ट्रेन में गाड़ियाँ जाती है, देख सकते हो आप, आई गेस मारुति सुजुकी लिखा है इस पे। तो अभी हमारी ट्रेन जो है दिल्ली पहुँच गई है सराय रोहिला स्टेशन पे और हम निकल रहे हैं, बट उतरने से पहले चेक कर लें आपने सारा सामान लिया है कि नहीं लिया है। तो मैंने चेक कर लिया, मेरा मोबाइल चार्जर, थैंक यू, ओके। सो अभी हम यहाँ पे स्टेशन पे हैं, देखते हैं यहाँ से किधर जाना है। तो हमेशा चेक कर लें आपने सारी सामान जो है वापस से एक बार निकलने से पहले, मोस्टली चार्जर्स, शूज़ या जो भी चीज़ें आपने बैग, छोटे बैग्स चेक कर ले एक बार नीचे, फिर उसके बाद नीचे उतरे। यहाँ से किधर जाना है वो कुछ कंफर्म नहीं है और बाकी का जो प्लेसेस जहाँ पे मैं जाऊँगा उसको नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगा। और मैं एक जर्नी पे निकला हूँ जिसमें बहुत सारे सिटीज़ को कवर करूँगा, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। प्रॉपर बजट ट्रैवलिंग कैसे करते हैं अकेले सोलो, वो मैं पूरा अच्छे से हर वीडियो में जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं और बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइए।